हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सवार सवार में हूँ, रेडी थी गयो एंड जवा करू छू अत्यारे बाइक लाई ने नौकरी पर। एंड यहाँ नो व्यू आप तब देखी सको। गाड़ी अपनी त्या पड़ी से अपाचे एंड यहाँ पे भाई की गाड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, है ना, ओनर ऑफ इंडिया। तो फिलहाल निकलते अपन एंड मकाई की डोडी यहाँ पे हो चुकी है। तो मम्मी ने कभी चेक की थी तो हमने खा ली, यहाँ पे मकाई की डोडी हो चुकी है। तो चलो बाइक निकालते हैं एंड लेट्स गो निकालते हैं। साबी अंदर पड़ी हुई है घर में, तो रहते हैं एंड फिर निकलते हैं अपन फटाफट से। यस्टरडे गाइस गणेश चतुर्थी थी, बट हमको तो टाइम नहीं मिला है घूमने के लिए जाने का, है ना, तो नहीं गए यार। हम कैसे जा सकते हैं नौकरी से, एंड दो दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से हम बाहर निकल भी नहीं सके। हेलमेट रह गए यार, फिर हेलमेट अपना रह गया, यहाँ पे रखा हुआ हेलमेट, ये रहा। तो हेलमेट पहनते हैं एंड लेट्स गो। शूज़ तो पूरे भीने हैं, तो शूज़ तो नहीं पहन के जाएंगे हम, सैंडल पहन के जाएंगे आज। तो पहन लिया सैंडल एंड निकल रहे, चलो लेट्स गो, बाइक निकाल रहे। रागू गुड मॉर्निंग। तो गाइस बाइक हमने छुट्टे साल भी यहाँ पे छोड़ रखी है, तो निकलते हैं। बाय बाय रागू, टाटा। तो गाइस अत्यारे हूँ निकली रहो छू बाइक लाइने जॉब पर जवा माटे एंड थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा अपना सिलस एंड सिलस गाइस सिलस सर्कल पे। बहुज भव्य एरोप्लेन में होटल बनवा जा रही है एंड अट्रैक्टिव होटल से गाइस। तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ तो आपको बताता हूँ वहाँ पर जाके। एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क अहमदाबाद में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है एंड अट्रैक्टिव आपको बिल्डिंग देखने को मिलेगी। तो गाइस दो तीन दिन से आज बारिश रुकी है एंड अपना आजे ताप आयो है यहाँ एंड ताप की वजह से बहुत बढ़िया अच्छा सीन लग रहा होगा आपको। एंड ये रहा विमान में होटल बनने जा रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो एंड बहुत ही अट्रैक्टिव होगी गाइस, है। तो चलो चलते हैं अपन नौकरी पे जवा मारे। तो गाइस अत्यारे हूँ आवी गयो छू साइड पर एंड साइड पर जे काम चालतो तो एनू ए चाले छे हजी सुधी। तो तमने एक बार टूर कराई दू हूँ, है ने, पहले तो आप रोड ऊपर जाइने बताई दू पूरी अपनो बंगलो पूरो बताई दू, सामने से कैसा लगता है ना, सामने से केवो लागे छे ने, तो ये बताई दू तमने पहले। देखो कुछ ऐसा है हमारा बंगलो, सेम टू सेम ही है सब में। हमारा टॉयलेट का जो बेसिन आता है इसके नीचे जो प्लेटफॉर्म आता है इसके लिए ये रेडी हो चुका है एंड ये वाला टॉप है उसका टॉप है, ये यहाँ पे लगेगा आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ लाग से है ना, ना ऊपर फिर उसे हमने पहला बताया मैं आ वालू ये अँ लाग से अँ गाड़ी અને જે અહીંયા આ પડ્યું છે એ લાગવાનું છે, આના ઉપર આમ ટોપ લાગશે એન્ડ ટાઇલ્સ ગાઈસ એવી છે, જો મસ્ત ટાઇલ છે, મોઝેક ટાઇલ્સ કહેવાય આને, આ છે મોઝેક ટાઇલ્સ, ઇસકે ઉપર અભી કેમિકલ બાકી હે લગાના એન્ડ અપના સ્ટડી રૂમ હે। તો સ્ટડી રૂમ મેં જહાં દેખો યે MDF લગ ચુકા હે એન્ડ યહાં પે આયેગા વોલપેપર આવશે અહીંયા ગડી। यहाँ पे बेजिंग का काउंटर लग चुका है ना। पिंटू भाई क्या लगा रहे हो? लगा रहा हूँ, टेबल बनाया हूँ। टेबल बनाया है ड्रेसिंग एरिया वाला ना, यहाँ पे तो अपना WC आएगा ना, WC आएगा, ड्रेनेज की पाइप तो रखी हुई है वहाँ पे। क्या बोलते हो? कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, आप भी बढ़िया लग रहे हो।
बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, अभी एक बार मारूंगा तो नीचे चला जाएगा। मेहनत तो हमारे खरीदारी जब तक फिलहाल अपन आ चुके हैं बेसमेंट में, एंड बेसमेंट में क्या क्या वर्क हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। क्या हो रहा है बेसमेंट में? मोल्डिंग पट्टी लगा रहे हैं। मोल्डिंग पट्टी, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली मोल्डिंग पट्टी लगा रहे हैं अभी भैया। अभी इसके बीच में कांच लगा, हाँ वहाँ पे मिरर आएगा ना। और जहाँ पे ये अपना MDF की मोल्डिंग पट्टी लग रही है वहाँ पे पेंट आएगा ना। इधर PO होगा, हाँ इधर PO होगा, इधर जो है इसमें कांच लगेगा, मिरर लगेगा ना। बढ़िया, तो बाहर एरिया में सारी मोल्डिंग पट्टी लग चुकी है आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड वहाँ पे जो गैप बचा हुआ है वहाँ पे मिरर आने वाला है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिरर आएगा, इसमें यहाँ पे मिरर आने वाला है, एंड बहुत बढ़िया लग रहा है, रेडी होने के बाद एक्सेलेंट लगेगा। तो फिलहाल हम है तो अत्यारे हमें चाहिए गाइस बेसमेंट में, एंड ये थिएटर एरिया है तो चलते हैं ऊपर। तो अत्यारे हूँ अभी गयो छूँ फर्स्ट फ्लोर पे, एंड फर्स्ट फ्लोर नो आ एरिया नाम है लॉन्ज एरिया। तो अत्यारे आ एरिया में वॉल ऊपर पेनलिंग नो वर्क चालू है, आ तमे देखी सको छो, एंड ये प्लान तो उसका दिया नहीं अभी, बट समझा के गए हैं आर्किटेक्ट, एंड फिलहाल गाइस अपना चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, एंड सेकंड फ्लोर पे अभी विनियर पॉलिशिंग का वर्क इन प्रोग्रेस में आप देख सकते हो, एंड एक बार पेंट हो चुका है, ये पेंट पॉलिश होने के बाद फिर यहाँ पे पेंट के ऊपर पॉलिश करेंगे बहुत अच्छी तरह से, एंड जो गैप जो प्रेसिंग खिल्ली की गैप होती है उनको बराबर फिल करके फिर इसके पॉलिश करते हैं अभी। एंड ये है गाइस सेकंड फ्लोर का अपना लॉन्ज एरिया, यहाँ पे भी वर्क हो। हेलो गाइस शुभ सवार, तो गाइस आपने रेडी तैयार थे गया है नौकरी पर जवा माटे, एंड वॉश अंदर रह गई है तो वॉश लेते हैं पहनते एंड फिर निकलते हैं। आज तो गाइस ओए होए दिस इज माय वॉश, तो फाइनली हमने वॉश ले लिए, अभी बजे है 8:30 हुई है तो निकलते हैं अपन, एंड आज हम जाने वाले हैं मामा की बाइक लेके, मेरी बाइक तो भाई ले गए हैं अभी, तो पीछे अपनी पड़ी हुई है इको है ना, एंड बाइक आज हम ले जाने वाले हैं ये वाली, आपको दिखाता हूँ मैं ये वाली होंडा की ले जाने वाले हैं, इसमें पेट्रोल भी फुल है, तो निकलते हैं लेके, चलो लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल अपन निकल चुके हैं बाइक लेके, एंड आज हम न्यू बाइक लेके जा रहे हैं होंडा की, वो मामा की बाइक है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो साइड पे जाके मैं यहाँ नया काम हुआ हेलो गाइस, तो अत्यारे हूँ अभी गई साइड ऊपर गाइस, एंड साइड पर जे काम चालू है ये तमने बताया तो एक बार, एंड कल का ब्लॉग भी मैंने एंड नहीं किया है, तो आज वो ब्लॉग को एंड करते हैं अपन, एंड जो काम हो रहा है वो बताया था मैं पहले। तो गाइस कल क्या हुआ था, कल हमारी साइड पे यहाँ पे जो स्टेयर हमारी MS की है उसका पॉलिशिंग वर्क हुआ था, तो वो आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे ये अपनी स्टेयर है MS की, तो MS की स्टेयर के यहाँ पे पेपर कास्ट से घिसाई करके फिर यहाँ पे पेंट लगेगा, बट अभी तक पेंट लगाया नहीं है यहाँ पे, तो घिसाई तो एक बार कर दिए एंड दूसरी बार घिसाई करके पेंट लगाएंगे है ना, तो हाथ मेरे ख़राब हो गई है यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा मास्टर बेडरूम, एंड यहाँ पे हो रहा पेंट, ये यहाँ पे फाइनल कोट लग रहा है अभी, बट फाइनल कोट तो नहीं बोल सकते, एक लेयर अभी लगेगा इसके बाद, बट जो पेंट है हमारा बेस रेडी हो के अभी पेंट लगना स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड इस साइड यहाँ पे ये लग चुका है फाइनल, एक कोट लगेगा, थोड़ा ब्लर हो गया बीच में जाए सारा,
चल बाईपैड है ना, इसलिए फोकसिंग करने में दिक्कत हो रही है। तो देखो ये फाइनल कॉट, अभी इसके बाद एक क्लियर लगेगा फिर फाइनल हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो रहा है पेंटिंग वर्क, इस साइड हो चुका है एंड पेपर लगाए हुए हैं जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया से पेंट हो रहा है एंड पेंटर भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पेंट कर रहे हैं। तो गाइस फिलहाल हम आए हैं यहाँ पे भाई की साइड पे एंड यहाँ पे प्लास्टर वर्क हो रहा है सिंगल कोट में। एंड ऊपर वो जो वहाँ पे फॉर्म वर्क किया हुआ है वहाँ पे भी लगेगा कोपिंग बनने वाला है। तो कोपिंग का कॉन्क्रीटिंग वर्क होगा वो बाकी अभी तक। तो त्या आगे संतर थी गयु से तुम जो सको अने हवे सांधा भराय छे एंड अहीं आरसीसी पण थई गयु छे। आ काले खुली जशे, शटरिंग जो शटरिंग वर्क थयुं छे काले खुली जशे। अहीं कॉपिंग भरनी बाकी है तो वो काले भराई जशे। तमे जोई शको छो अहीं सांधा भराय छे अत्यारे। संजय कंई नहीं કરે છે તેને તો આપણે નથી કહેતા, એન્ડ આ દિવાલમાં પણ પ્લાસ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે સિંગલ કોટ, ડબલ કોટ બાકી છે અત્યારે। તો કાલે અહીંયા ડબલ કોટ સ્ટાર્ટ કરી દેશે આ લોકો એન્ડ ત્યાં આગળ પણ ડબલ કોટ સ્ટાર્ટ થઈ જશે। કોપિંગ કાલે ભરશે ઉપરની એન્ડ ફેર સ્ટાર્ટ હો જાયગા ડબલ કોટ। એન્ડ સાઈડ તો ગાઈસ બહુત હી બડી સાઈડ હૈ, આપ દેખ સકતે હો અહીંયા। तो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे एंड यहाँ पे इस ब्लॉग पे एंड करते हैं अपन। एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड उच्छे भी अच्छा लगा हो डेली देखना चाहते हो तो ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।